हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरके बूटीक कुकिंग स्वाद का राज में। तो आज हम बनाएंगे सोयाबीन की बड़ियों और चावल के आटे से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी नाश्ता। जो सोयाबीन नहीं पसंद करते हैं सब्जी में, तो वो इस तरह से खाएंगे और अपनी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं इससे पहले, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे ऑल नोटिफिकेशन और वीडियोज आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में गर्म पानी लेंगे, लगभग 2 बड़े गिलास के। अब इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सोयाबीन की बड़ियाँ हैं मेरे पास लगभग 1 पैकेट, तो इसको इसमें सोक कर देंगे और 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे ताकि सोयाबीन बड़ियों अच्छे से भीग जाए और अंदर तक बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और सोयाबीन की बड़ियाँ सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हाथ में थोड़े थोड़े से बड़ियाँ इस तरह से लेके इसका एक्स्ट्रा पानी जितना भी होगा उसको निकाल देंगे। तो सारी बड़ियों को इसी तरह से एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। इसको मैंने एक अलग बर्तन में रख लिया है। अब फिर से सोयाबीन की बड़ियों को बाउल में डालेंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून चावल का आटा मिक्स करेंगे। बस कोडिंग हो जाए इतना ही आटा यूज करना है, बहुत ज़्यादा आटा ना लें। तो अब इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करते हैं। ये 1/2 चम्मच लाल मिर्च लिया है, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, चुटकी भर बिल्कुल हल्दी लेंगे, बहुत थोड़ी सी, और ये थोड़ी सी हींग, और ये थोड़ा सा गरम मसाला है। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से सोयाबीन की बड़ियों पर मिक्स कर देंगे ताकि अच्छे से कोडिंग हो जाए चारों तरफ से और मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो इस तरह से देखिए मैंने मिक्स कर दिया है। अब 10 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसमें नमक डालेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी जो भी हो वो निकल जाए, और 5 मिनट के लिए फिर से छोड़ दिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे, और एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे ताकि चावल का आटा बड़ियों पर अच्छे से चिपक जाए। तो देखिए बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब कढ़ाई में ऑयल मैंने गर्म होने के लिए ऑलरेडी रख दिया था। तो ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इन बड़ियों को हम इसमें डाल देंगे और लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। सोयाबीन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो अगर आप नहीं खाते हैं तो इस तरह से आप उसका स्नैक्स में खा सकते हैं। स्वाद भी बढ़ाएगा और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो पलट पलट के हमको दोनों साइड से इस तरह सेक लेना है। मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं, ज़्यादा हाई फ्लेम पर ना पकाएं, और लाइट गोल्डन ब्राउन ही करें क्योंकि चावल का आटा है, अगर आप ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो सख्त हो जाएगा। तो देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने बहुत थोड़े से ऑयल में ही बढ़िया फ्राई कर लिए हैं। आप भी बहुत ज़्यादा ऑयल ना डालिएगा, थोड़े सा ही ऑयल डालिएगा, इतने में ही फ्राई हो जाएंगे। तो बाकी के बच्चे ऑयल में बाकी के बच्चे भी बढ़ियों को डाल देंगे और इनको भी लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पलट पलट कर दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए बाकी भी बढ़िया ये फ्राई हो चुकी हैं। तो बनकर तैयार है सोयाबीन की बड़ियों का क्रिस्पी नाश्ता। हेल्थ भी है और टेस्ट भी दोनों ही हैं एक साथ, तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये ऊपर से एकदम क्रंची हैं एंड अंदर से एकदम सॉफ्ट हैं, और जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है सोयाबीन, तो वो लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। देखिए कितनी अच्छी है। तो बनकर तैयार है सोयाबीन की बड़ियों का क्रिस्पी एंड टेस्टी नाश्ता, साथ में हेल्थ भी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी ऑल वीडियोज एंड नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।